हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया पर। दोस्तों, अभी लॉकडाउन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो लोग भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज करना क्या है, मैं ज़्यादा कुछ तो आपको लेक्चर नहीं दूंगा, और ऑलरेडी सभी लोग, बड़े बड़े नेता लीडर सभी लोग कह चुके हैं, तो मेरा बोलने का मकसद बस इतना ही है कि जो लोग भी जॉब के लिए स्पेशली आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग लॉकडाउन होने के बाद भी कैसे आ गए मुझे भी पता नहीं। तो अभी आप लोगों को कुछ दिन कष्ट कर लो, उसके बाद तो मैं हुई हूँ आप लोगों के हेल्प करने के लिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी हमारी तरफ से। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कुछ दिन आपको अपने घर में रहना है। घर में रहने का मतलब ये है कि घर में ही रहना है, ना कि कहीं आपको बाहर जाना है। तो आपको कुछ दिन तक आपको कष्ट करना है, घर में रहो। घर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, 14 तक बताया है, इसीलिए मैंने खुद अपना तरफ से 6 दिन बढ़ाया है, तो आप 20 के बाद से हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि 14 तक ही ओपन हो जाएगा, इसीलिए मैंने 20 तक डेट दे रखा है। तो 20 तक आप थोड़ा वेट कर लो, अगर खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ और आइडिया निकालेंगे, किसी तरह से तो करना है, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जो लोग भी अगर आ जाते हैं बाय चांस किसी तरह से, तो वो लोग भी आके तो कोई शेर नहीं बन जाते हैं, फिर बाद में तो उन्हें भी फंसना है। यहाँ पे आपको बस फैसिलिटी ये सब कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, तो आपको भी पता है, तो बस फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आने जाने के लिए ऑटो नहीं मिलेगा, तो आप करें भी तो क्या करेंगे, तो लास्ट में वही चीज़ हो जाएगा, आपको भी परेशान हो जाओगे। तो ऐसा नहीं चाहिए, पहले से ही हम लोगों को तैयारी करके रखना है कि क्यों है ये चीज़। अगर पहले ही हम अगर सोच के रखेंगे तो ही आगे चल के वो चीज़ आपको बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ आ जाते हैं किसी तरह से और बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ अभी कुछ काम ही नहीं चल रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखा है कि डायरेक्ट आप ऑफिस पहुँचो, डायरेक्ट आप ऑफिस पहुँचो, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप ऑफिस मत पहुँचो, पहले कॉल करो 8747023412, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले, कब आना है हम आपको बताएंगे। क्यों अभी हम लोग भी ऑलरेडी ऑफिस सब बंद रखे हुए हैं, क्यों सबकी भलाई हम लोगों का भी है, इसीलिए अभी आप देख सकते हैं हमारा, बस अभी हम लोगों को ही आपस में प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर इंडियन जितने लोग भी है सबको ही प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दिल्ली से, मुंबई से, ये सबसे पैदल पद यात्रा में निकल गए हैं, अपना फैमिली लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, यूट्यूब में, टिकटॉक में, न्यूज़ में मैं देखता रहता हूँ, तो ये सब चीज़ आता रहता है। तो ये चीज़ आप सोचो, आप उस तरह से तो लकी है कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जा रहा है कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन उन लोगों के पास तो कोई भी सोर्सेस नहीं है। अभी वो लोग फंस गए हैं, तो अभी फंस के रह गए तो फिर कितना प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों का। हम लोग अभी इतने खुद हैं, लेकिन हम लोगों को खुद अभी प्रॉब्लम हो रहा है चलने के लिए। तो और जितने भी मिडिल से मिडिल कैटेगरी के एकदम या लो कैटेगरी वाले लोग हैं, उन लोगों को और कितना प्रॉब्लम हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं। तो यही चीज़ के लिए अभी कुछ दिन बस कंट्रोल करो, ये इधर से किधर से आया प्रॉब्लम, अभी हम लोगों को सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग भी एक इंडियन है, हम लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन लॉकडाउन में अपने घर में रहना, बहुत सारे लोग बाहर निकल के शेर बन के दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उनको वो शेर अंदर घुस गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसकी भी टिकट कट जाएगी। इसलिए ज़्यादा आपको ये नहीं करना है, पब्लिक में ज़्यादा नहीं जाना है, दूर सबसे रहें, कुछ दिन की तो बात है, अपने फैमिली को टाइम दो, बाद में एक बार फिर ख़त्म हो जाने के बाद तो आपको फिर काम ही काम रहता है। तो उम्मीद करूँगा आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मैं नए नए पिक डालता रहता हूँ, वहाँ से जाके भी आप उस पिक को पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशन डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ से आपको पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक नागरिक तक ये वीडियो पहुंच सके, जो लोग भी इस दर्द में अभी जी रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।